Our next question is, it was found that water from a river was contaminated with coliform bacteria. Which one of the following pollutant might have got mixed with the water? Options hain aapke, fertilizers, runoff, industrial waste, pesticides and human fecal matter. Ab aapko sochna hai ki kya keh raha hai, question mein kya keh raha hai. It was found that the water from a river was contaminated with coliform bacteria. You know very well about coliform bacteria. ये coliform bacteria जो है, it is mostly found in human intestine. ये आपके human intestine में पाया जाता है. आपको पता है coliform bacteria के बारे में? तो it is found in human intestine. तो obvious ही बात है, अगर human intestine में आएगा, पाया जा रहा है, तो वो आपके फीकल मैटर के थ्रू आपके वाटर को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा. तो यहाँ पे आपका जो है सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर है, दैट इज ह्यूमन फीकल मैटर. क्यों? क्योंकि आपका जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसका जो सोर्स होता है, ठीक है, वो आपका फीकल मैटर होता है, ह्यूमन फीकल मैटर होता है. तो बाकी के आपके ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना. आप जो है डायरेक्ट क्या करोगे, ह्यूमन फीकल मैटर को ऑप्ट करोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज अ कंट्रीब्यूटर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस वो आपका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, आपके ग्रीन हाउस गैस कौन सा आपका जो है, फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज अ कंट्रीब्यूटर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम का कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, मतलब किसके कंबसन के बाद, है ना, कोल एंड पेट्रोलियम के कंबसन के बाद कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आप देखें. तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड. तो इनकम्प्लीट आपके कंबसन से, कोल एंड पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कंबसन से, दीज आर कंपाउंड ऑफ कार्बन. ठीक है, ये आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, तो मोस्टली आपका जो है अगर कंप्लीट कंबसन होगा तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या चीज प्रोड्यूस होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. लेकिन आप देखो जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, ये वाला. ओके, और में एक और क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट. तो आपको स्टैक होल्डर्स के बारे में पता है, फॉरेस्ट के स्टैक होल्डर किन किन को फायदा पहुंचता है फॉरेस्ट से, इसके बारे में आपको पता है. जो आपके आसपास के लोग हैं उनको फायदा होता है, वो उस पर डिपेंड करते हैं. फिर आपका जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर डिपेंड करता है. फिर आपका वाइल्ड लाइफ और नेटिव आपके एंथुजियास्ट्स जो हैं, जो आपके एनजीओज हैं, वो आपके उस पर डिपेंड करते हैं. फिर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं. तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आपका स्टैक होल्डर है, जो फॉरेस्ट का स्टैक होल्डर है, जो आपके फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो अपने रॉ मटेरियल के लिए, आपके इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के लिए, वो आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है. तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द इंडस्ट्रियलिस्ट. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 19. इट इज फ्रॉम सेक्शन बी, सॉरी, इट इज क्वेश्चन नंबर 18. इट इज फ्रॉम सेक्शन बी. The question is, create a terrestrial food chain depicting four tropic levels. You have to create a terrestrial food chain depicting four tropic levels. आपको चार tropic levels, you know very well about four tropic levels. The first tropic level are
द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर्स, उसके बाद अगर हम दूसरे ट्रॉपिक लेवल की बात करें इट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, फिर आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी आपके जो है फूड चेन में चार ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, दे आर फोर ट्रॉपिक लेवल्स इन योर फूड चेन, तो वी कैन ईजली क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विच हैज फोर ट्रॉपिक लेवल्स। तो अगर हम देखें फोर ट्रॉपिक लेवल्स की बात करें तो फोर ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो वी कैन ड्रॉ इट, फर्स्ट वन इज योर प्लांट, इट इज द प्रोड्यूसर। फिर अगर हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो दूसरा आपका ट्रॉपिक लेवल, जैसे आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करने वाला है आपका डियर, दैट इज द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और ये आपका है प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर। फिर अगर हम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो डियर के ऊपर आपका डिपेंड करता है, जैसे आप देखें कुछ आपके कार्निवोर्स हैं, दैट इज वुल्फ, दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आपके वुल्फ के ऊपर फीड करने वाला नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, दैट इज योर लॉयन। तो ये आपका हो गया टर्शियरी टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके, तो इस तरह से आप जो है एक फ्लो डायग्राम बना के इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, टेरेस्ट्रियल फूड चेन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन्स ऑफ मोर देन फोर ट्रॉपिक लेवल्स इन नेचर। आप जो है किसी नेचर के अंदर, आप नेचर के अंदर चार ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा जो है ट्रॉपिक लेवल आपको नहीं देखने को मिलता है किसी भी फूड चेन के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे होने की वजह यह है कि हर ट्रॉपिक लेवल में जो आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो आपके 10% एनर्जी ट्रांसफर का रूल है, आप लोगों ने पढ़ा है 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रहा है, तो 10% अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हर ट्रॉपिक लेवल में तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो बहुत कम जाएगा। फिर अगर हम जो है इसी को प्रिसीडिंग अगर देखें तो आपका जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे ये एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लेंथ है आपके फूड चेन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम विच इज सेल्फ सस्टेनेबल। आप जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल एक्वेटिक सिस्टम कैसे बनाओगे, कैसे क्रिएट करोगे जो कि आपका सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब आपको बाहर से किसी रिसोर्स को वहां पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो है उस पर्टिकुलर आपके इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो कैसे हम लोग करेंगे, आप जो है आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो है फिश एक्वेरियम बनाया होगा तो यू कैन चूज दैट स्टेप, है ना, यू हैव टू टेक अ ग्लास जार, आपको जो है एक ग्लास जार लेना है, ग्लास जार के अंदर जो है आप कुछ प्लांट्स जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसको आप डालोगे, फिर आप जो है उसके अंदर फिश हो गया या फिर आपके छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उसको आपने डाला, और फिश के खाने के लिए जो आपका फूड सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड करोगे, एक्वेटिक आपका जो है हैबिटेट में जो भी आपके प्लांट्स हैं कुछ आपके बैक्टीरियाज उनको भी ऐड करोगे, दैट विल द कंप्लीट आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें कि आपका एक्वेटिक जो प्लांट है दैट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना, वो आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और वो ऑक्सीजन जो है फर्दर आपका यूटिलाइज कौन करेगा, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स जो कि आपने डाला है फिश, है ना, तो वो आपका ऑक्सीजन जो है वो फिश उसको यूटिलाइज करेगा। तो इस तरह से आप लोग आर्टिफिशियली एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, okay.
Next question is question number 19. Explain the process of aerobic respiration in mitochondria of a cell and anaerobic respiration in yeast and muscle with the help of word equations. तो बच्चों ये तो बहुत ही आपका जो है prominent आपका topic है. ये हमने जो है अपने classes में भी बहुत ज़्यादा जो है discuss किया है इस चीज़ को. आइए देखते हैं थोड़ा सा कैसे हम लोग word equation में कैसे इसको जो है express कर सकते हैं. आपको पता है जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में जो जनरल प्रोसेस है वो आपका ग्लूकोज का कन्वर्शन. सबसे पहले अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट. पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है. और यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज को देखें तो आपका 6 कार्बन एटम का ये आपका जो है मॉलिक्यूल है. फिर पाइरुवेट की बात करें तो ये 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब यहां से आपका जो पाथवे है वो आपका चेंज हो जाता है. अब 3 आपका पाथवे यहां से फॉर्म होगा. पाइरुवेट का जो है फेट, दैट इज 3 फेट्स. अब हम लोग देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है. अब सबसे पहले अगर हम देखें तो कंप्लीट आपका रेस्पिरेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज CO2 प्लस H2O और रिलीज होती है एनर्जी. क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है. उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप में देखें अगर हम सेकेंड स्टेप, अच्छा यहां पर लिख देता हूं मैं, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? ये एरोबिक, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद सेकेंड अगर हम फेट देखें तो वो आपका सेकेंड फेट कह रहा है आपके यीस्ट में क्या होता है. तो यीस्ट में आपको पता है जो कंडीशन होता है वो एनारोबिक कंडीशन होता है. एनारोबिक कंडीशन में आपका जो पाइरुवेट है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एंड इट फॉर्म्स इथेनॉल. ये आपका इथेनॉल बनाता है और प्लस आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और लेसर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. उसके बाद थर्ड फेट देखें, अच्छा ये होता किसमें? इन यीस्ट, ठीक है. और अगर हम थर्ड फेट देखें आपके मसल्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर कंडीशन कैसा होता है? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक कंडीशन होता है. तो एनारोबिक कंडीशन तो होता है बट देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ O2 इन मसल्स, ठीक है. अब ये आपका फेट क्या होगा? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि बहुत कम अमाउंट में होगी इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन. और यही आपका लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि आपके मसल्स के अंदर फैटिगनेस कॉज करता है. तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन कह रहा है इन अ पी प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर्स बियरिंग पर्पल कलर, दैट इज कैपिटल पी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, दैट इज स्मॉल पी. एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ अक्रॉस फॉलोइंग द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. स्टेट द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी. तो आपको जो है मैंने बताया है आपके क्लासेस के अंदर जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जस्ट आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है हमें फॉलो करके इन दोनों आपके जो है कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं?
कैसे इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले वी विल राइट purple color as capital P and white color as small p, okay? अब ये आपके जो capital P है और आपका small p है, ये आपका क्या है, दिस इज योर पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन को लेके हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, ओके? तो दिस इज योर कैपिटल पी, उसके बाद आपका जो है क्रॉस किया हमने स्मॉल पी के साथ, दिस इज योर पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ये आपका पेरेंटल जनरेशन हो गया। अब जो है यहाँ पे आपके जो गैमेट बनेंगे, सिंगल टाइप का गैमेट बनेगा दैट इज कैपिटल पी, यहाँ पे आपका जो है सिंगल टाइप का गैमेट बनेगा दैट इज स्मॉल पी, दोनों के बीच में आपका क्रॉस होगा, इट विल फॉर्म कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, ये आपका जो है कैपिटल पी और स्मॉल पी प्रोड्यूस करेगा। दिस वन इज योर F1 जेनरेशन, ये आपका F1 जेनरेशन है, और यहां पे आप